पाकिस्तानी प्यार में तुम्हें हमेशा ठरक ही मिलेगा। अब बाहर के मुल्क का प्यार देख, लड़का अगर लड़की को पब्लिक प्लेस में भी प्रपोज कर देना तो बड़े क्यूट लगते हैं। आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनको दुआएं दे रहे होते हैं, उनकी वीडियो बना लेते हैं, उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। पाकिस्तानी प्यार ऐसा नहीं है। लड़की मैसेज करके कह रही थी, अच्छा बेबी मैं नहाने जा रही हूँ, आगे से लड़का रिप्लाई देगा, मैं भी साथ आ जाऊँ। अब देखो जो पाकिस्तानी लड़के हैं ना, उनको ये उनका जो प्यार है ना, ये प्यार नहीं है, ये इनका ठरक है। मतलब अगर लड़की कहते ना किधर हो, बाहर के मुल्क में अगर लड़की कहते किधर हो, पूछ ले, तो वो जिधर होंगे वही बताएंगे कि यार मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं रस्ते में हूँ। पाकिस्तान में नहीं ऐसे, पाकिस्तान में पूछ लो ना कहाँ, तो आगे सकेंगे आपके दिल में। अगर ये भी कह देना तो पागल हो, तो आगे सकेंगे हाँ आपके प्यार में। पाकिस्तान में अगर देखो बाहर के मुल्क में ना, अगर वो लड़की पूछ ले कि क्या कर रही हो, तो बंदा बता देता है मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का हर वक्त ठरक ठरक में रहते हैं, हर वक्त ठरक में रहेंगे। पूछना ना क्या कर रहे हो, आपको याद। बाहर के मुल्क का तुम लोग फ्लर्ट देख लो, मतलब अगर लड़का लड़की को पब्लिक प्लेस में भी फ्लर्ट करे उसके साथ, या किसी कैफे में रेस्टोरेंट में फ्लर्ट करे, तो बड़े क्यूट लगते हैं। पाकिस्तानी फ्लर्ट नहीं, पाकिस्तानी लड़का फ्लर्ट किस तरह करेगा, मैसेज करके उसको कहेगा, तुम्हें पता है तुम कल रात मेरे ख्वाब में आई थी। और लड़की अगर आगे से पूछ ले कि, जाहिर है लड़की ने पूछना ही है, लड़की अगर आगे से पूछ ले तुमने क्या देखा ख्वाब में, तो आगे से कहेंगे तुम्हें बताने वाला नहीं है ना। जैसे लड़की को तो पता नहीं तूने ख्वाब में उसकी ली है। तो लड़की है, मतलब लड़की अगर लड़का लड़के को अगर भूख लग रही है, मतलब लड़का कह देता ना मैसेज पे यार मुझे भूख लग रही है, तो आगे से लड़की कहते हैं कि यार कुछ खा लो, तो आगे से पाकिस्तानी लड़का बोला क्या किया, आपको खा लूं। तो पाकिस्तानी लड़के हैं ना, वो लड़कियों को अप्रोच आजकल किस कर रहे हैं, मतलब पहले तो और था ना फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज दी, अब तो बड़ा इजी है, व्हाट्सएप भी मिल जाता है, इंस्टाग्राम भी मिल जाता है, लेकिन हाय हेलो नहीं करते, वेट करते हैं कब लड़की व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए और हम उसको रिप्लाई दे के बात स्टार्ट करें। और अगर गलती से लड़की लगा दे रात को 2-3 बजे व्हाट्सएप पर स्टेटस, तो एक ही रिप्लाई देंगे, अभी तक जाग रही है। मुझे तो ये पाकिस्तानी लड़कों की समझ नहीं आती, लड़की को मैसेज करके कह रहे होते अच्छा बेबी ये किस दो ना, और ये लड़की चुम्मी वाली इमोजी से गुजारा कर रहे होते, मतलब इससे अच्छा तो फिर मैं अपने हाथ के साथ। और ये लड़कियों की भी मुझे समझ नहीं आती, लड़की लड़कियां क्या लड़कों को मैसेज कर रही होती हैं, अच्छा बेबी जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो पहले रात से हम बातें करेंगे। और पता है इनको भी है कि सिर्फ बात नहीं होगी। लड़कियों की मुझे लड़कियों के लॉजिक ही नहीं समझ आती, वैसे ही मैसेज करके कहेंगी मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन रिप्लाई इनको 2 मिनट लेट मिल जाए तो उनको मौत पड़ जाती है। जो पाकिस्तानी लड़की है ना, ये प्यार की बुकी नहीं है, इंपॉर्टेंस की बुकी, हमें लगता है इनको प्यार चाहिए लेकिन इनको इंपॉर्टेंस चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ, मैंने उसने मुझे मैसेज किया, मैंने 5 मिनट बाद रिप्लाई दिया, कहती कहाँ हो, मैंने कहा मैं अपने दोस्तों में, अच्छा तो अब दोस्त मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं बाद में तुमसे बात करूँगा, कोई मसला नहीं। मैं एक दिन गाड़ी चला रहा, उसका मुझे मैसेज आ गया, तो मैं 5 मिनट बाद सिग्नल आया, इशारा आया, मैं उस पर खड़े होकर रिप्लाई दे दी, कहती किधर हो, मैं कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अच्छा तो अब गाड़ी मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मुझे मैसेज आया, मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खा के 10-15 मिनट बाद रिप्लाई दिया, कहती किधर थे, मैं कहा खाना खा, अच्छा तो गाना मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं बाथरूम चले गया, आई मैसेज आया उसका, मैंने बाथरूम से फ्री हुआ 5-10 मिनट बाद मैंने उसको रिप्लाई दिया, कहती किधर थे, मैंने कहा बाथरूम, कहती अच्छा तो अब टट्टी मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।